गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड, ये हम लोग छत पे हैं इवनिंग का टाइम, और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे पापू हम तीनों खेल रहे हैं गेम। तो आप लोगों ने बचपन में ये गेम खेला होगा, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस गेम को क्या कहते थे। तो पहले मैं यहाँ पर गेम बना रही थी, वो हम लोग पहले खेलते थे चोर सिपाही मंत्री राजा ऐसे करके, उसमें चार लोगों की जरूरत होती थी। तो फिर हमने सोचा कि तीन लोगों का ऐसा कौन सा गेम खेलें, फिर ध्यान आया तो हम लोग खेल रहे हैं यहाँ पर दाल चावल रोटी सब्जी की चार पर्ची। तो उसमें दो की जोड़ी बनती है और एक की जोड़ी नहीं बनती, इसमें तीन लोग ही खेलते हैं। छत पर बैठ के टाइम पास कर रहे थे, सच में टाइम पास नहीं। तो मेरे को फीवर हो रहा था, मेरा मन भी अजीब होता था, थोड़ा सा मैं खेल रही थी सिवान, मैं भी हंस बोल ले रही थी। उसके बाद मैं, यह रात का टाइम है और मैं यहाँ पर भिंडी काट रही हूँ जैसा कि देख रहे हैं आप लोग। तो भिंडी की बनेगी यहाँ पर भुजिया और बाकी। तो हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे मैं आशा करती हूँ। और मेरी तबीयत यहाँ ठीक नहीं है, मुझे फीवर हो रहा है, तो मैं यहाँ पर लेटी हुई हूँ। और देखिए सारा सामान ऐसे फैला हुआ है, क्योंकि मैंने शाम को जो झाड़ू वगैरह करते हैं शाम को वो नहीं की है। और मैं भी सब्जी काट रही थी, सब्जी तो खाना बन रहा है, हस्बैंड बना रहे, बस मैंने सब्जी काट दी है। तो दाल और सब्जी बन रही है, उसके बाद देखते हैं रोटी बनेगी या चावल बनेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैंने यहाँ पर देखे कल खान, जैसे कि मैंने बताया मुझे फीवर था तो मैं किचन में नहीं आई थी, हस्बैंड ही खाना बनाए थे, बस मैं सब्जी काट दी थी। तो किचन देखे कैसा हो रखा है, जो मैंने पकौड़ियाँ वगैरह उस टाइम बनाई थी वो भी मैं नहीं साफ़ कर पाई गई थी, दिन में ही मैंने दोपहर में बनाया था। तो देखिए पूरा स्लीप ऐसे ही गंदा हो रखा है। तो सुबह मुझे मैंने सोचा सबसे पहले चाय बना लेती हूँ इधर, और चाय रख के झाड़ दिया है मैंने, बट उसे भिगो पानी से थोड़ा फूलने देना पड़ेगा, बेसन सूख चुका है। तो अभी मैंने सोचा चाय वाय बना लेती हूँ रख के, और फिर मैं इधर सफाई करूँगी अभी किचन की। और जब तक सफाई ना हो ना तो मन नहीं, अजीब सा मन लगता रहता है। बट आज तबीयत थोड़ी ऐसी ढीली है तो मैं सुबह नहीं उठी हूँ, आज मैं बहुत लेट उठी हूँ, सोकर सो गया, बस लेटी हुई थी बिस्तर पे, उठने का मन नहीं कर रहा था। होता है तबीयत जब ख़राब होती है तो, और पता नहीं कैसे मुझे ऐसे फीवर आ रहा है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो बार बार फीवर आ रहा है जा रहा है। तो यहाँ पर मैं ग्लास में दूध निकाल रही, मुझे चाय में दूध थोड़ा कम लग रहा था तो वही मैं वापस डाल रही थी। और इधर मैं आलू लेकर आई धुलकर, आलू को मैं बॉईल होने के लिए गैस पे रख दूंगी। और एक साइड मैंने आलू रख दिया है, एक साइड मैंने चाय रख दी है, तो मेरी चाय इधर बनती रहेगी। और मैं गैस कम करना भूल गई थी क्योंकि गैस तेज़ है, तो मैं कम कर रही हूँ यहाँ पर। और कपड़े लेकर मैं नहाने जा रही थी तो मैं नहा कर आ गई हूँ, और चाय भी मेरी बन गई है। तो हस्बैंड चाय बंद करके, चूल्हा बंद करके ढक दिए थे, लेकिन चाय पकी नहीं थी। तो जब तक चाय पकती नहीं है ना तो अच्छा नहीं लगता, चाय में मतलब वो टेस्ट नहीं आता है। तो वही मैंने चाय को थोड़ी देर थोड़ा सा और पकाया तो उससे गर्म भी हो गई। तो हम लोग यहाँ पर चाय पी लेंगे, बस सिर्फ चाय चाय ही पियेंगे, क्योंकि अभी ऐसा कुछ घर में खाने के लिए नहीं है चाय के साथ। तो सिर्फ मैं चाय पीऊँगी, बस मैं नहाकर जस्ट आई हूँ, पूजा वगैरह आज कुछ नहीं करना है मुझे, तो बस मैं यहाँ पर बैठ के चाय पी लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड अब आ गई हूँ मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, चाय वाय पी ली मैंने, चाय पी के थोड़ा सा रेस्ट किया जब तक आलू मेरा बॉईल हो गया। तो मैं इधर किचन में आ गई हूँ बनाने के लिए आलू का पराठा, बहुत दिन से मन हो रहा था नाश्ते में आलू का पराठा खाने का। तो मैंने सोचा, और ये आलू एक्चुअली पता है ये आलू ना जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना उस टाइम ही मेरे हस्बैंड आलू ले आए थे, काफ़ी दो या तीन बार करके ले आए थे, मैं 5 किलो ऐसे करके 5-5 किलो, क्योंकि उस टाइम नहीं पता था कि हमें सब्जियां मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या सिचुएशन होगी। तो इंसान पहले से अपने आप को मतलब इतना अरेंज तो करके चलना पड़ता है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई, सब्जी वगैरह की सब कुछ मिलता रहा।
टाइम टू टाइम। तो वही आलू काफ़ी ऐसे पुराने, मतलब काफ़ी दिन के आलू सुखड़ गए थे, सूखने जैसे लग गए थे। तो मैंने सोचा ये ख़राब हो जाएंगे, सब्ज़ी वगैरह नहीं इसकी अच्छी लगेगी। तो मैंने सोचा इसको बॉईल करके और फिर मैं इसके पराठे बना देती हूँ, वो मतलब यूज हो जाएगा। क्योंकि अभी एक भी चीज़ फेंकना चाहे बर्बाद करना बहुत मतलब नहीं सही है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जो भी चीज़ मिल रही है, मिल तो सब कुछ रही है मैं, बट पैसे होना चाहिए। और ऐसी सिचुएशन आ रखी है यहाँ पे कि पैसों की भी बहुत तंगी हो गई है, तो मैं आपसे क्या बताऊं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आलू को बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। मैंने पराठा थोड़ा सा गरम मसाला डाला था और भुना हुआ जीरा पाउडर था, वही मैंने ऐड किया है, बाकी कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ और आटा में मैंने यहाँ पर अजवाइन डाला है, और उसके बाद मैं थोड़ा सा रिफाइंड डाल के आटे को अच्छे से मैंने गूँथ लिया है। तो आटा मेरा गूँथ चुका है, तो मैं बनाने लग जाती हूँ चटनी। और मैं चटनी बना रही हूँ आज नए स्टाइल से, टमाटर की चटनी। ऐसी मैंने कभी नहीं बनाई है, और पता नहीं ऐसी चटनी बनती है या नहीं, क्या मूड में आया, हस्बैंड ने बोला आज ऐसी चटनी बनाओ, तो मैं वैसी बनाने लग गई हूँ। ना मैंने किसी को देखा है ऐसे बनाते हुए, तो पता नहीं कैसी लगेगी, खाने में भी कैसी लगेगी, नहीं लगेगी पता नहीं। यहाँ पर मैं पैन में जीरा गरम तेल गरम करके, सॉरी जीरा डाला है, उसमें हल्का सा लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी डालकर उसमें फिर मैंने जो टमाटर का पेस्ट बनाया था, तो बस टमाटर में एक लाल मिर्च को भी पीस लिया था। और इधर मेरे से गलती ये हो गई कि पहले मुझे प्याज फ्राई करना था थोड़ा सा लाल करके, उसके बाद टमाटर उसमें डालना था, तो मैं भूल गई, इसमें टमाटर डायरेक्ट डाल दिया। तो अभी दूसरे पैन में मैं प्याज को भून रही हूँ। होता है कभी कभी दिमाग पता नहीं कहाँ, और किचन में जब मेरे सर पे जब कोई खड़ा रहता ना, तो मुझे बहुत अजीब लगता है, हस्बैंड यहीं पे खड़े होकर देख रहे थे, तो इस चक्कर में मैं भूल गई बातें करते करते। मैं सोचती हूँ कि मैं कोई भी काम करूँ ना, तो कोई मतलब कोई ऐसे खड़ा ना हो टोके होके ना, मुझसे जान बुझकर और गलती हो ही जाती है। मैं यही हस्बैंड से बोल रही हूँ कि आप यहाँ पर खड़े थे और मैं भूल के मैंने भूल के वैसी बना ली चटनी। तो पता नहीं कैसी लगेगी चटनी, कैसी नहीं लगेगी मुझे नहीं पता, मैं बना रही हूँ अभी। तो जब मैं खा लूँगी तो उसके बाद आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि अभी नहीं बोल सकती कि आप लोग भी ट्राई करिएगा अच्छी होती है, क्योंकि कभी मैंने ट्राई नहीं किया, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो मैं आपको कैसे बोलूँ। और मुझे नहीं लगता सच में कि अच्छी लगेगी चटनी। और देखिए यहाँ पर आलू था ना, उसमें मैंने कच्चा प्याज कट करके थोड़ा सा डाला है इसके अंदर, इससे अच्छा टेस्ट आता है। और ऐसे भून के भी बनाते, बट मेरा आज वैसा मन नहीं था, तो मैंने प्याज को कच्चा ही कट करके ऊपर से डाला है। कभी कभी होता है अलग अलग चीज़ खाने का मन करता है। तो देखिए इधर पराठे मेरे बन रहे हैं, और हस्बैंड को मैं इधर मैं खिला भी रही हूँ बाबू और हस्बैंड को, और इधर बना भी रही। और ये मेरी शुरू से आदत है, रोटी हो चाहे पराठा हो चाहे पूड़ी हो कुछ भी हो, खत्म हो गई मैं एक एक बनाती जाती हूँ और सबको मतलब खिलाती जाती हूँ एक एक करके। अब एक साथ तो सबको नहीं बिठा सकती ना, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं बना पाऊँगी, तो मैं एक को पहले खिला लेती हूँ, फिर दूसरे को ऐसे कर करके। तो मैं ऐसे ही बाबू और हस्बैंड को दोनों को अभी तो बिठा दिया मैंने, क्योंकि बाबू लेट लेट से खाता है, देर से खाता है, तो यहाँ पर बाबू की प्लेट मैं लगा रही हूँ, और उधर मैंने हस्बैंड की प्लेट लगा दी है, वो खाने के लिए बैठ गए थे। इधर मैं बाबू को दे देती हूँ, तो बाबू को भी मैंने इधर खाना दे दिया है। मैं इधर पराठे वगैरह सारे बना लूँगी अपने लिए, और मतलब हस्बैंड और बाबू ने तो खा ही लिया है, उनको बाकी चाहिए होगा तो एक आध दो जो लेना होगा तो लेंगे, बाकी फिर मैं बनाऊंगी अपने लिए, और बाकी फिर आटा और आलू ऐसे ही रख दूंगी, क्योंकि मैं सारे एक साथ बनाकर नहीं रखती हूँ, जैसे कि आपको भी पता होगा मैं जब खाते हैं उसी टाइम बनाती हूँ कोई भी चीज़। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद।
बता भी नहीं सकती मैं कब दूँगी, क्योंकि छत पे अभी धूप आ गई है। और उसको करने के बाद मैं लगा रही हूँ इधर झाड़ू, और जब तक मैं पूरा घर क्लियर ना कर लूँ मेरे से खाना नहीं खाया जाएगा। सुबह तो लगा चुकी हूँ झाड़ू, आज मैंने पोछा नहीं लगाया है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे से ज़्यादा काम हो भी नहीं रहा है। तो झाड़ू मैंने अच्छे से लगा लिया था, लेकिन फिर मैंने अभी बनाया पराठा वगैरह, तो फिर किचन में थोड़ा सा गंदा हो गया था किचन, तो मैंने यहाँ पर अच्छे से साफ सुथरा कर लिया घर, और बर्तन भी सारे एक साइड कर दिए हैं। तो अब उसके बाद मैं कभी भी मैं खाना खाने बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई काम पेंडिंग में ना हो, सब कुछ हर जगह क्लीन क्लियर नजर आए, तभी खाना खाने में भी मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं कंघी कर रही हूँ, और कंघी मैंने बालों में पूरी तरह से नहीं किया, बस एक जोड़ा बांध लिया है, तो यही होता है। और खाना खाने से पहले सिंदूर लगाना ज़रूरी होता है नहाने के बाद, जो कि मैंने नहीं लगाया था, और तो वही मैं यहाँ पर सिंदूर लगा रही हूँ, और बस सिंदूर लगाऊंगी और कुछ भी नहीं नहीं करूँगी। और फेस पे तो मैं कभी कभार क्रीम लगाती हूँ, कभी कुछ नहीं लगाती हूँ, ऐसा ही चलता है मेरा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए मैं इधर बैठ गई हूँ अपना खाना लेकर। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर लंच कर रही हूँ, आप लोग मेरे साथ लंच कर लीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग की हेल्प की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज मैंने आप लोगों से ज़्यादा बातें नहीं की, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं काम चलाओ वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, और घर का काम थोड़ा बहुत कहीं कर रही हूँ मैं, नहीं ज़्यादा काम कर पा रही हूँ। तो मैं क्या बताऊँ, पता नहीं क्यों मेरी इतनी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो बस आप लोग भगवान से दुआ करिए मैं जल्दी से ठीक ठाक हो जाऊँ। तो फ्रेंड अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं आप लोगों के को, तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।